आज हम इस छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट के ये खूबसूरत छोटे छोटे फूल रात के टाइम खिलते हैं और दिन के टाइम ये मुरझा जाते हैं। चांदनी रातों में इसकी फ्लावरिंग बहुत जबरदस्त होती है। इस प्लांट को गुच्छों की सूरत में जो है वो बड्स लगते हैं। ये देखें, एक ही ब्रांच के ऊपर जो है काफी ज्यादा बडिंग होती है। ये प्लांट ड्वार्फ रहता है, इसलिए इसे मिनी चांदनी कहते हैं। इसकी जैसे आप बॉन्साई भी बना सकते हैं। बॉन्साई बनाने के लिए जो है इसकी रूट प्रूनिंग टाइम टू टाइम आप करते रहें। इसको कटिंग्स के साथ भी ग्रो किया जा सकता है और इसमें रूट लेवल से भी न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। गर्मी के सीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और गर्मी के सीजन में इसे फ्लावरिंग भी ज्यादा होती है और गर्मी की रातों में इसे फूल ज्यादा लगते हैं और फूल इसके जो है वो चांदनी रातों में बहुत अच्छे से खिलते हैं। सरफेस एरिया मिट्टी का ऊपर से ड्राई हो तो इसे पानी दें, लेकिन गर्मियों में इसे आप डेली बेसिस पे पानी दें क्योंकि ये फुल सनलाइट में होता है तो जल्दी से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाता है। इसकी सॉइल की अगर बात करें तो इसे वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है, इसे चिकनी मिट्टी पसंद नहीं होती। सॉइल को वेल ड्रेनेज बनाने के लिए जो है वो आप 50% सैंड और 50% जो है वो भालू मिट्टी का मिक्सचर यूज करें, उसमें इस प्लांट को ग्रो करें। एसिडिक बनाने के लिए जो है हमारे घर में जो किचन में व्हाइट विनेगर यूज होता है आप वो इस प्लांट को दे सकते हैं। हर 15 दिन के बाद 2 स्पून विनेगर 1 कप पानी में ऐड करके इस प्लांट को दें।